कुछ लूट वूट करने के लिए। यहाँ पे ये फाइट हो चुकी है, एसजी को उतरते के साथ ही दो प्लेयर्स को नुकसान हो चुका है। एसआई टीम के प्लेयर्स को स्पॉट कर लिया, एजी ने नॉक निकाल तो दिया बट अपना किल पॉइंट यहाँ पे क्या सिक्योर कर पाएंगे। एजी अभी के लिए खुद मुश्किलों में भी है पर सामने प्लेयर को स्पॉट किया, एक हार्ड कवर ले रखा है, काउंटर कवर उन्होंने लिया है। लेट्स सी किस तरीके से कैसे ये प्लेयर अब सर्वाइव कर पाएगा। आगे बढ़ेंगे बट नहीं, क्यू भी डबल बैरल से डाउन निकाल देंगे एसजी। मुश्किल खड़ी सफर, एक अकेला प्लेयर मिस्टर बोरो विद द फार्मर्स, अकेला प्लेयर पूरा पूरा 1v3 का सिचुएशन इनके सामने खड़ा है। जो एक प्रॉपर 1v3 आपको देखने को मिल जाएगा। मिस्टर बोरो की बात करीजिए तो देखिए अब यहाँ पे क्लच निकालना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है क्योंकि लौटा प्लेयर है, इसी के साथ एक प्लेयर को डाउन जरूर दिया था बट अब फॉल बैक निकाला जा रहा है। बट लेट्स सी निकालने दिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि कम्प्लीटली एसआई टीम अब एक अंधा रश करने वाली, उनको पता है कि मात्र एक ही प्लेयर है। तो लेट्स गो गाइस, वी कैन डू इट, वी नो दैट थिंग। बट मिस्टर बोरो देखिए खुद को जो उनका पोजिशनिंग भी नहीं देना चाह रहे, वापस गए वहाँ पर वो डोर क्लोज करने के लिए कि पता ना चले मैं इधर से आया हूँ, मेरी जो लोकेशन है वहां से पता ना चले। बट अब भी स्पोर्ट्स को शट डाउन कर दिया जाएगा सिटम, जहां पे उनको एक खिलाड़ी को लॉस हो चुका है। गेन अभी कुछ भी नहीं है, गेन है तो बस एक चीज का, दैट दे हैव स्टिल गॉट द मैन पावर। तीन खिलाड़ी अभी भी उनके जीवित देखने को मिल रहे हैं और दोबारा से उसी कंपाउंड में फंसती दिख रही है टीम, जहां पे स्कालर्स ने उनको पहले मैच में फंसाया था, पहले ही रैंगल के बैटल के अंदर फंसाया था। दैट शोज की कहने की टीम काफी क्रेडिबल और काफी एग्रेसिव निकल के आ रही है और आज के दिन जो अप्रोच इनकी है वो काफी ज्यादा डेफिनेटली प्रूडेंट देखने को मिल रही है, इंटेलिजेंट देखने को मिल रही है। दैट नेड दो एजे का वो नेड बहुत ही अच्छी ओपनिंग बना चुका है। डेजर्ट को यहाँ पे डाउन करते हुए देखेंगे 0v2 एंड दूसरे खिलाड़ी यहाँ पे पुश करते हुए दिख रहे हैं। पूरी की पूरी टीम स्कैलेज गेम की आ चुकी है, एक क्रॉस फायर यहाँ पे सेट किया जाएगा, अगर नेड होते कुछ यूटिल्स होती तो शायद गेम को चेंज करते, बट लुक एट दैट द प्रेशर इज स्टिल कमिंग। विंडोज से आते हुए दिखेंगे खिलाड़ी, एक को डाउन किया दूसरे को नॉकआउट करते हुए दिखेंगे। ट्रेड फायर में दो खिलाड़ी ऑलरेडी शट डाउन होते हुए दिखेंगे, एक आखिरी उम्मीदवार बचे हैं हाथ में माइक रोजी, शॉट उनके पर लगी रहे हैं, जंप करेंगे, विंडो से बाहर निकल चुके हैं लेकिन उससे पहले जो बाकी खिलाड़ी नॉक डाउट थे उनको फिनिश करेंगे फटाफट। एंड इस समय सिटम का कंपैरिजन करना स्काइलेट से काफी मुश्किल होता जा रहा है, बट स्काइलेट लास्ट से खिलाड़ी जो यहां पे देखने को मिल रहा है जीवित पूरा का पूरा पीछे भागते हुए देखेंगे, विनी 14 हाथ में देखने को मिल रही थी बट फाइनल इज डन, सिटम इज आउट ऑफ इक्वेशन। दो महत्वपूर्ण टीमें ऑलरेडी बाहर जा चुकी हैं बट अभी भी हमारी आपकी सबकी फेवरेट DRS इज स्टिल ऑन टॉप। पॉइंट टेबल देखने को शायद ना मिले आपको अगले कुछ मैचेस के अंदर बट डोंट वरी गाइस, DRS अभी भी टॉप पे देखने को मिल रही है एज पर द प्रीवियस लीडर बोर्ड। होपफुली इस मैच के अंदर भी आगे इसी तरीके से बढ़ती हुई दिखे, एक बड़ा चैलेंज पोस्ट करती हुई दिखे अपने फेवर में और DRS जिस तरीके से बफर बनाती जा रही है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है फिलहाल ऐसे एक्शन की तरीके से। जो डेजर्ट है वो ग्रेनेड के साथ नजर आ रहे हैं तो शायद यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं अपनी यूटिलिटीज का इस्तेमाल, बट उन यूटिलिटीज के साथ क्या कोई ओपनिंग निकल कर आ सकती है या नहीं इसका उन्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। डोबू के हाथों में मुझे एक शॉटगन देखने को मिल रही है, क्या उस शॉटगन के साथ ही वो लड़ते हुए नजर आएंगे। दूसरे छोर पर माफिया निंजा वो टेरिस पर बैठे हुए हैं, एक माइक रूजी लेकर वो बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी प्लेयर बस विंडो के करीब आए या दौड़कर जाने की भी कोशिश करे तो उन्हें एक स्प्रे के साथ ज्यादा से ज्यादा डैमेज किया जाए और यहां तक कि नॉक निकालने की भी कोशिश की जाए। वहीं दूसरे छोर पर आप नो फियर को देख लीजिए, इनका एंगल काफी बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगा। सामने क्यूबी मौजूद है जो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने आपको कवर में रखने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं माफिया निंजा का जो इंतजार है वो शायद अब यहां समाप्त हो सकता है। माफिया निंजा के ऊपर एक ग्रेनेड आता हुआ नजर आएगा हमें और उस ग्रेनेड के स्प्लैश डैमेज से HP जरूर से कम हुई बट कोई खासा डैमेज यहां पर कोई नॉकआउट यहां पर देखने को नहीं मिल पाया। वहीं 0v2 जैसे प्लेयर को गवा जाना इनिशियली बहुत बड़ी दिक्कत बनता हुआ सिटम ईस्पोर्ट्स के लिए, बट जिस तरीके से स्काईलाइट्स फॉल बैक कर गई है यहां पर रेडर, आप देखिए अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है सिटम को पीछे जाने की, पीछे जाकर अपने लूट को कंप्लीट करने की। तो ये एक मैं कहूंगा अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, एक मौका है, बट पीछे से जिस तरीके से नो फियर एक अलग एंगल होल्ड करके बैठे हुए थे, उन्होंने डेजर्ट को स्पॉट किया, डोबू सिंगल HP के साथ वो भी बचे हुए नजर आएंगे, उनके हाथों में मात्र एक शॉटगन देखने को मिल रही है। यहां से एक ओपनिंग नॉक निकल कर आ चुका है, प्लेयर्स को पता है कि सीधा पुश करेंगे हम तो यहां पर अभी के लिए सबसे बेटर चांसेस इस फाइट को जीतने के। AJ माइक्रोजी के साथ कुछ फ्री फायर लेते हुए जरूर देखने को मिल रहे हैं, ग्रेनेड्स रोएबल्स पता नहीं है प्लेयर्स का है बट यहाँ पर प्रेडिक्टेबल ग्रेनेड्स करने की कोशिश काफी ज्यादा की जा रही है। शैक के अंदर प्लेयर्स मौजूद रहेंगे और शायद उनके पास UMP-45 देखने को मिल रही है एक खिलाड़ी के पास, एंड उस UMP-45 के साथ क्या कर सकते हैं वो। वहीं क्यों भी पीछे से शायद कवर फायर देने की कोशिश करे बट माफिया निंजा ओपन में प्रोन होकर करीब आने की कोशिश, पूरी कोशिश है कि उनकी तरफ से कि फिलहाल एक अच्छा खासा ऑफ एंगल पकड़ते हुए दिखेंगे बट क्यूबी की बात करें जाए फॉल बैक करते हुए दिख रहे हैं, शायद एक ऑफ एंगल पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं बट इस समय उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए एक अच्छी लूट।
अगर थोड़ा बहुत एक डिसेंट गन उनको मिल जाए और उसका इस्तेमाल कर पाए वो तो काफी ज्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। बट लुक एट दैट, स्लैम इज गोइंग इन डीबीएस के शॉट्स, लेकिन उससे पहले एजे का चढ़ के बोलेंगे एक अटैक देखने को मिलेगा। एंड देखते ही देखते स्टेटम के दो खिलाड़ी और धराशायी हो चुके हैं, तीन अमेजिंग फिनिशेज यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं ऑलरेडी। एंड ये लॉबी की सबसे पहली टीम बन सकती है जो की कैजुअलाइज होने के कगार पे आती हुई दिख रही है, बिकॉज क्यूबी की बात करी जाए, what he has in his backpack is a first aid kit, two first aid kit dekhne ko mil rahe hain, ek micro uzi present hai extended ke sath, aur uske sath sath agar hum baat kare ek scarl, that's all, ek acha nade inki yahan pe is puri ki puri legacy ko end kar sakta hai। but the thing is neema yahan pe open se push karte hue dekhenge, trying to get the pick, yes spray liya lekin turant hi fall back karenge, because jante hain multiple teams are pushing, multiple players i mean to be precise are pushing, kuch nades jahan jahan angle mil raha hai wahan par dalne ki puri koshish karte hue dekhenge, ek aur nade shayad inke paas hai and lijiye uska bhi istemal kar liya fatafat, कुछ पेनकिलर्स, कुछ स्मोक्स, हर एक चीज का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे, जितनी यूटिलिटीज हैं परिपूर्ण करेंगे उनका इस्तेमाल, और उसके बाद यहाँ पे कहने के काउंटर देने की कोशिश रहेगी। बट स्काइलेस गेमिंग के लिए यही मेक और ब्रेक वाला मूवमेंट है, यहाँ पे अगर एक भी खिलाड़ी फिनिश ऑफ हुए तो टीम डिसएडवांटेज में जा सकती है। बट अगर आप देखिए फिलहाल इस समय एजे के मेटा को पुश करते हुए देखेंगे, एजे नीमा भी यहाँ पे देखने को मिलने वाले, लेफ्ट एरिया में यहाँ पे खिलाड़ी, लेकिन लीजिए पैन वैन लेके रेडी है इस समय, ही वॉन्टेड टू गेट दैट फ्लाइंग पैन इन द एक्शन बट हुआ नहीं पॉसिबल। चलिए कोई बात नहीं, स्काइलेस गेमिंग के पास जाते जाते आ चुके हैं बहुत ही अमेजिंग चार अमेजिंग फिनिशेस, और एजे जो कि नॉक्ड आउट थे, टीम के लिए सबसे ज्यादा एफर्ट करके गए इस मैच के अंदर, दो फिनिशेस यहाँ पे उन्होंने निकाली हुई है, ऑलरेडी गेम के अंदर वापस आ चुके हैं, स्क्वायर वन पे आ चुके हैं स्काइलेस गेमिंग, जहां ना सिर्फ एडवांटेज है बल्कि अच्छे फिनिशेस भी देखने को मिल रहे हैं। और यासना एक